हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, और केवल इसलिए कि ब्लॉक प्रमुख उनका बन जाए। ये योगी नहीं होती, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं। जो और जगह बैठे हैं, बड़ी कुर्सी पे बैठे, वो भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते हुए बधाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक काम और कुछ हो नहीं। भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई हो नहीं। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया। पैसा चला वो अलग है, झूठे मुकदमे दर्ज हुए वो अलग है। जिस प्रदेश की पुलिस, जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, एसपी सिटी अपमानित हो जाए, एसपी सिटी झापड़ खा जाए, पत्रकार खुलेआम पिटे उन नावों में, तो प्रदेश में जितना गुंडागर्दी हुई है चिन्हित कर इनका हाथ तोड़ दिया गया। ये सब जनता ने देखा है और समय आने पर जनता हिसाब किताब करेगी और जनता इनको सबक सिखाने का भी काम। गुंडागर्दी का एक्सपेरिमेंट वो अपने वहां पहले कर और उसको लागू फिर उत्तर प्रदेश में हर जगह कर। जिन जिलाधिकारियों ने झूठे मुकदमे लगाए, सुबह से लेकर के शाम तक परेशान रखा बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों को, उनको धन्यवाद क्यों नहीं। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव रहा हो, जब जनता ने चुनाव उनके सामने आया तो जनता ने अपना समर्थन दिखाया और सबसे बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सदस्य भी जीते, बीडीसी भी जीते, प्रधान भी जीते। लेकिन सरकार ने यह तय कर लिया कि उन्हें लोकतंत्र में बहुमत जिसको मिला उसकी कोई परवाह नहीं है, जो जनादेश है उसकी कोई परवाह नहीं है, और जानबूझ करके रणनीति बना करके और फुल फ्लैश प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए उस हमारे और आपके सामने परिणाम है। लोकतंत्र में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो सपना दिखा रहे थे कि समाज को हम एक अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएंगे, उन्होंने उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया, और केवल इसलिए कि ब्लॉक प्रमुख उनका बन जाए। पैसा चला वो अलग है, झूठे मुकदमे दर्ज हुए वो अलग है, गंभीर धाराओं में लोगों को घर पर नहीं रहने दे या वो अलग बात है। और सोचिए खुशी कैसे मनाई जा रही थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। और मैं क्या कहूं, आज तो रिकॉर्डिंग है सबके सामने। लखीमपुर में जो बहनों के साथ हुआ उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है कि कौन कौन उसके कपड़े को छीन रहे थे। दोनों बहनें मुझसे मिली यहां करके, दोनों बहनों से मैं मिला और हमने भरोसा दिलाया कि पूरे के पूरा उनके सम्मान के लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी दिखाई देगी। इटावा के एसपी सिटी, उनका कहना, उनका मोबाइल पे बात करना, किस वरिष्ठ अधिकारी से बात कर रहे थे वो वही जानते हैं। लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बम, ये इस तरह का पथराव और इस तरह की कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। जहां नहीं जीत सकते थे चुनाव, वहां सोचिए बराबर करके चुनाव जीत लिया, बराबर कर करके चुनाव जीत लिया। और संज्ञान में कौन ले इस बात को, एसपी सिटी अपमानित हो जाए, एसपी सिटी झापड़ खा जाए, पत्रकार खुलेआम पिटे उन गांव में, प्रदेश के दूसरे हिस्सों में पत्रकार पिटे। इस सरकार को उसकी परवाह नहीं है। इस सरकार को परवाह केवल है कि उनका मुंह मीठा हो जाए और सबसे ज्यादा उनके ब्लॉक में व जिला पंचायत अध्यक्ष जीत जाए। और यही नहीं, बात खत्म होती,
जो और जगह बैठे हैं, बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, वो भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ते हुए बधाई दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक काम और कुछ हो नहीं सकता। ये सब जनता ने देखा है और समय आने पर जनता हिसाब किताब करेगी और जनता इनको सबक सिखाने का भी काम करेगी। जो कुछ और जिलों में हुआ है, तमाम कार्यकर्ता नेता हमें मिले हैं, जानकारी मिली है, पार्टी कार्यालय में सूचना मिली है। जिस तरीके से कोरोना में इन्होंने सही आंकड़े नहीं दिए कि कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों की कोरोना की वजह से जान चली गई, न कोई मदद पहुंची उन तक और न कोई आंकड़े दिए हैं। संख्या क्या है ये सरकार नहीं बताना चाहती, क्योंकि सरकार मदद नहीं करना चाहती। एक बार शिक्षक लोगों को जो ड्यूटी पे गए थे कहा कि केवल 3 लोगों की जान गई। बाद में संगठन और हम सब लोगों ने जब सवाल खड़े किए तो सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि कितनी बड़ी संख्या में जान गई। जो और प्रदेशों में जो होता हो वो होता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में जितना गुंडागर्दी हुई है शायद पूरे पॉलिटिकल कैरियर में अभी तक मैंने गुंडा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। जब से पंचायत के चुनाव देखे हैं टीवी पर और लोगों ने बताया और जानकारी की कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी गुंडागर्दी वाली पार्टी कोई हो नहीं सकती, और प्रशासन का साथ लेकर के गुंडागर्दी करना, ये लोकतंत्र में नई परिभाषा तय की है। इसी तरह जो गोरखपुर में हुआ है, हमारा पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, चिन्हित कर करके उसकी टांग तोड़ दी गई, वो खड़ा है, बैठा है यहां पर। हमारे ये पूर्व पार्टी में है, इनके भाई हैं, इनका चिन्हित करके इनका हाथ तोड़ दिया गया। न जाने कितने लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज हुए, न जाने कितने लोगों पर गंभीर धाराएं लगी हैं, न जाने कितनी घरों को गिराने के लिए तैयारी कर ली कागज की। इसलिए जो हुआ है वो सब ने देखा है और समय आने पर जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। एक बार फिर मुझे खुशी इस बात की कि डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं। केवल हम ही नहीं चाहते थे, हमारी पार्टी के बहुत कार्यकर्ता नेता चाहते थे कि ऐसा नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए तो पार्टी और मजबूत आसपास जिलों में दिखाई देगी। मुझे खुशी है कि डॉक्टर धर्मपाल सिंह आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं इनको बधाई देता हूं, इनके सभी साथियों को बधाई देता हूं, उनका सभी कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत भी करता हूं। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार नेता कुंवर चंद वकील, जो चुनावी लोकसभा के लड़े थे, सामाजिक कार्यों में लगातार समाज में दलित पिछड़े उनकी मदद करते रहे, मैं इनका स्वागत करता हूं। इनके साथ जितने भी सहयोगी साथी आए हैं मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि आपके आने से, आप दोनों लोगों के आने से पार्टी के तमाम लोग का मनोबल भी बढ़ेगा और एक ताकत बनी है कि आने वाले समय में पार्टी का परिणाम भी बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। और आगरा के आसपास हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने सबको साथ लेकर के चलने का फैसला लिया है और विकास के रास्ते को और मजबूत करना है, क्योंकि दुनिया में आगरा का एक अपना नाम है, अपनी पहचान है। अगर देखा जाए टूरिज्म के मैप पर सबसे ज़्यादा अगर रेवेन्यू और रोजगार देने का काम कोई करता है तो वो आगरा करता है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, चाहे हेरिटेज की चीज़ें हों, चाहे किसी तरह का टूरिज्म जो होता है, वो सबसे बड़े पैमाने पर आगरा से मदद मिलती है। एक्सपोर्ट के मामले में भी बहुत आगे है। जो आगरा के साथ भेदभाव किया गया है, जो आगरा के विकास को रोका गया है, केवल आगरा नहीं उसके आसपास के लोगों का जो विकास रोका है, चाहे वो हमारे किसान हो, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से विकास कार्य को आगे ले जा रही थी आगे भी ले जाने का काम करेगी। मैं इसी के साथ सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे कहूंगा कि गोरखपुर में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपने यहाँ एक्सपेरिमेंट पहले करते हैं, गुंडागर्दी का एक्सपेरिमेंट वो अपने वहां पहले करते हैं,
और उसको लागू फिर उत्तर प्रदेश में हर जगह करते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि कल भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने सबको बधाई दी, सबका धन्यवाद दिया, लेकिन पुलिस का धन्यवाद क्यों नहीं दिया? जिन जिलाधिकारियों ने झूठे मुकदमे लगाए, सुबह से लेकर के शाम तक परेशान रखा बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों को, उनको धन्यवाद क्यों नहीं दिया? अगर इनको न लगाया गया होता तो उत्तर प्रदेश का परिणाम ही दूसरा होता।